A+B करके करना था, और उसमें सलाल परियोजना पूछा था, और ये पूछा था कि नेपाल कितने उससे बाउंड्रीज है, एंड पूछा था, एंड ओ ग्रैंड ओल्ड मैन पूछा था. उसके बाद डू और डाई किसने बोला. वेलकम टू नाइन अल्टीमेट. तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम है और कुछ ही देर में यहाँ से स्टूडेंट छूटने वाले हैं. तो आप सब लोगों को मैं रिव्यू कराने वाला हूँ कि किस तरह से पेपर था आज, कितना अटेम्प्ट किया, जीएस में कैसा प्रश्न था, मैथ्स में कैसा प्रश्न था, रीजनिंग में कैसा प्रश्न था. साथ ही आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं. तो बाकी आप सब लोग अंत तक बने रहे, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें. कैसा पेपर गया? ईजी पेपर था, ईजी टू मॉडरेट. तो मैथ्स वगैरह में कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, मैथ्स में एक आया था, लाइक एक तो वो वाला आया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में था. ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. अच्छा. तो फिर आंसर ए प्लस बी करके करना था, और उसमें सलाल परियोजना पूछा था, और ये पूछा था कि नेपाल कितने उससे बाउंड्रीज है, एंड पूछा था, एंड ओ ग्रैंड ओल्ड मैन पूछा था. उसके बाद डू और डाई किसने बोला ये पूछा था, और फेमा का फुल फॉर्म पूछा था. उसके बाद वो पूछा ओसिस करके कोई लाइट हाउस कहाँ कहाँ सेटअप है वो दिए थे, तो कहाँ सेटअप नहीं हुए हैं वो देना था, करंट अफेयर्स में था ये. और एक था, एक उससे था कि एक आदमी ने इतने में नहीं प्रॉफिट था, प्रॉफिट लॉस टाइप एवरेज वाला था. एक कि चार स्टूडेंट्स थे, एक टीचर 20% ज़्यादा है उनके एज का, एक वो था परसेंटेज वगैरह थे, परसेंटेज वो परसेंटेज नहीं एवरेज से रिलेटेड था, उसमें परसेंटेज इंक्लूडेड था. हाँ, डी एस से चार क्वेश्चन थे, पाँच पाँच मार्क्स के, मतलब 20. और फिर वो थे अनसीन पैसेजेस थे, इंग्लिश का था, एक दो हिंदी के थे. अच्छा. बस. और इंग्लिश वगैरह कैसा था? इंग्लिश में तो सिर्फ पैसेज ही था. ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 95 किया. चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा गया पेपर, मतलब लेवल मॉडरेट था, इजी लेवल था. जैसे कि मतलब बच्चों के लिए बताते हैं ना कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मॉडरेट पेपर था. मतलब अच्छा पेपर था, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कह सकते कि बच्चों को, हाँ भाई कि बच्चे इतने ज़्यादा टेंशन ले, कि मतलब बच्चों ने तैयारी की है ना उसके अकॉर्डिंग अच्छा पेपर था. मतलब अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बच्चों के. क्वेश्चन वगैरह कुछ याद है जीएस? हाँ, जीएस के मतलब 2019 की करंट अफेयर पूछी गई थी, लगभग इस तरह की कि मतलब किस खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगाया था, एक क्वेश्चन इस तरह का था, और यूडीआई किस तरह क्वेश्चन कुछ 2019 के करंट पूछी गई थी, लगभग लगभग 2 साल पुरानी. और जीएस बिल्कुल इजी लेवल था. हिस्ट्री वगैरह का कुछ क्वेश्चन? हाँ, हिस्ट्री में कोई ऐसे आया था कि सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दिया था, तो कांग्रेस उस टाइम अध्यक्ष कौन बने थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे. एक दो ही क्वेश्चन देखने को मिले थे इतिहास वगैरह कुछ. पॉलिटी में अर्थव्यवस्था चाहे थे इकोलिटी. अच्छा. और तो बस यही था. मैथ बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक जैसे बोलते हैं ना. मतलब प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज ओवरऑल 80. हाँ जी. क्या लग रहा है आपको, संभावना कितना लग रहा है? देखिए संभावना तो ये है कि लगभग 70 के आसपास अराउंड इतना हो जाएगा. चलिए ठीक है, धन्यवाद.